देखिए दोस्तों, ये सवाल एक साइकिल को 1500 रुपया में नगद या 350 रुपया के अग्रिम भुगतान और बाकी रुपयों को 400 रुपया के 3 मासिक किस्तों में देकर भी खरीदा जा सकता है। तो हमको निकालना है कि किस्त योजना में लगाया गया दर कितना है, यानी कि किस्त योजना में लगाए गए दर की गणना हमको करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे बनाते हैं। साइकिल का नगद मूल्य कितना है दोस्तों? 1500। ठीक है, यानी कि 1500 रुपया ले जाओ और साइकिल मिल जाएगा, लेकिन वो किस्त योजना में कैसे मिलता है? 350 रुपया के अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान मतलब दोस्तों, कोई भी सामान खरीदते समय उसी समय जो रुपया दे दिया जाता है और कुछ बाकी रुपयों को किस्त योजना के अनुसार दिया जाता है, महीनों में या सालों में। तो जो उसी समय रुपया दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अग्रिम भुगतान या कैश डाउन पेमेंट। यहाँ भी साइकिल खरीदते समय उसी समय 350 रुपया दे दिया गया है और बाकी रुपयों को किस्त योजना के अनुसार दिया जा रहा है। तो देखिए, और बाकी रुपयों को क्या दिया जा रहा है? 400 रुपया के 3 मासिक किस्तों में, ठीक है दोस्तों, दिया जा रहा है। अब देखिए, यानी कि किस्त योजना के अनुसार कुल कितना रुपया दे दिया गया? 1203 1550 रुपया दे दिया गया किस्त योजना के अनुसार। ठीक है, यानी कि किस्त योजना के अनुसार हमारा कितना अधिक लग गया? 50 रुपया अधिक लग गया गया यानी कि यही 50 रुपया क्या है? ब्याज। यानी कि किस्त योजना के अनुसार हम ब्याज के रूप में कितना रुपया और दे दिए? 50 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए, जो 1500 रुपया में साइकिल नगद है तो 350 रुपया उसी समय दे दिया जा रहा है, यानी कि बचा कितना? 1150। ठीक है दोस्तों, अब इसी 1150 पर ब्याज लगेगा ना, एक महीना के लिए इसी 1150 पर ब्याज लगेगा। तो रेट का हमको मान निकालना है और समय एक महीना है, महीना को हम साल में बदल लेते हैं। क्यों दोस्तों बदलते हैं? क्योंकि हमको दर निकालना है वार्षिक, इसीलिए हम इसको वर्ष में बदल लिए एक महीना में। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया रहता है, बोलता है कि दर ज्ञात करें, तो हमको वार्षिक ही निकालना है। और ये परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा? 100। ठीक है दोस्तों, इतना हुआ, एक महीना में ब्याज इतना बन जाएगा। फिर वो एक महीना बाद आएगा और 400 रुपया दे देगा, यानी कि बचेगा कितना? फिर 750, यानी कि अब 750 रुपया पर ब्याज लगेगा उसी आर परसेंट के दर से एक ही महीना के लिए। ठीक है दोस्तों, और फिर वो आएगा और 750 रुपया हो गया, तो अब फिर 400 दे देगा, यानी कि अब कितना बचेगा? 350, यानी कि अब 350 पे ब्याज लगेगा। 350 × 8/100 × 1/12 एक महीना के लिए। अब देखिए दोस्तों, पहला किस्त 400 रुपया का दे दिया, दूसरा किस्त 400 रुपया का दे दिया, और तीसरा किस्त क्या देगा? तीसरे किस्त 400 रुपया में 350 रुपया ये दे देगा और 50 रुपया इन तीनों का जो ब्याज बनेगा, इन तीनों का ब्याज कितना बनेगा दोस्तों? 50 रुपया। ठीक है, इन तीनों का ब्याजों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपया। ठीक है, यानी कि तीसरे किस्त में 350 रुपया ये देगा, प्लस में 50 रुपया ये 400 रुपया देकर अपना पूरा साइकिल अब खरीद लेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी को हम हल कर देंगे और रेट का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। R/100 × 1/12 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, R/100 × 1/12 तो सब में है, और 1150 + 750 + 350 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 2250। और बराबर कितना है? 50 के। क्यों बराबर है? कि तीनों ब्याज मिल रहा है और मिलकर 50 रुपया हो जा रहा है। ब्याज ब्याज मिलकर कितना हो जा रहा है? तीनों ब्याज 50 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए, ये 1 0 से 1 0 ये कटा दिए, तो अब कितना हुआ दोस्तों? R/120 × 225 = 50। दोस्तों इसको हम कटा देते हैं, तो 25 से 9 बार में 225 कट गया, 25 से 2 बार में 50 कट गया। ठीक है,
यानी कि दोस्तों देखिए, 9R/120 बराबर कितना है? 2। यानी कि 9R/240, R/240/9, कि रेट परसेंट कितना क्या हो जाएगा दोस्तों? 240/9%। यानी कि किस्त योजना में लगाया गया साधारण ब्याज का दर कितना है? 240/9%। इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।